गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं मुस्कान, आपके सीए की मेंटोर, और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 जनवरी, और आज 11 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो हमारी न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास है कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका क्वेश्चन था यूथ सिग्नल। ये रिसेंटली ट्वीट किया गया था, और ये क्वेश्चन था कि ये ट्वीट किसने किया था। सो इसका आंसर बनता है एलोन मस्क, जो कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया था, ये ट्वीट इन्होंने 7 जनवरी 2021 को किया था। सो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन है रिसेंटली विच एरोप्लेन रैकेज फाउंड इन द जावा सी। हाल ही में किस एरोप्लेन का मलवा जावा सी में मिला है। ऑप्शंस है हमारे बोइंग 735-550, बोइंग 738-500, बोइंग 737-500 और बोइंग 736-550। आंसर देखते हैं इसका, आंसर क्या है। आंसर है बोइंग 737-500। ये जो बोइंग 737-500 है, इसका मलबा अभी जावा सी में मिला है, और ये जो बोइंग 737-500 है, इसको श्री विजय एयर फ्लाइट 182 के नाम से भी जाना जाता है। जो जावा है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, और इंडोनेशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, जो कि 17,000 आइलैंड से मिलकर बना है। और इसके कुछ आइलैंड जैसे सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और कुछ पार्ट्स है बोर्नियो का और न्यू गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है फॉर विच मिशन इंडियन एयरफोर्स IAF डॉक्टर्स हु वर स्पेशलाइज्ड इन एरोस्पेस मेडिसिन विल सून लीव फॉर रसिया। हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऐसे डॉक्टर्स जो कि एरोस्पेस मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड हैं, वो रसिया जाने वाले हैं। आपको यहाँ बताना है कि वो किस मिशन के लिए जाने वाले हैं। ऑप्शंस हैं गगनयान, मंगल, चंद्रयान और आदित्य L1। आंसर है इसका गगनयान। जो इंडियन एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, वो रशिया जाने वाले हैं, और वो किस प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले हैं, वो गगनयान जो मिशन है उसके लिए जाएंगे। और यहाँ पर 4 IAF डॉक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, जो कि गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग करेंगे। ये जो गगनयान मिशन है, इसको 2022 में एग्जीक्यूट किए जाने की प्लानिंग है, जो एक मैन्ड मिशन है, और इसमें 3 लोग स्पेस में जाएंगे, और वो जो कैप्सूल होगा वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा लगभग कितने दिनों तक, 5 से 7 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है इन विच स्टेट कलारीपयट्टू एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश्ड टू बूस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म। मार्शल आर्ट फॉर्म को बूस्ट करने के लिए कलारीपयट्टू एकेडमी किस स्टेट में एस्टेब्लिश करने की बात हुई है। ऑप्शंस क्या है हमारे, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। आंसर देखते हैं इसका, आंसर है केरला। जो कलारीपयट्टू एकेडमी है, ये मार्शल आर्ट फॉर्म को बूस्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और ये कहां पर एस्टेब्लिश होगा, ये एस्टेब्लिश होगा केरला में। अभी 2 एकेडमी और हम लोगों ने पढ़ा था, ये था कोंकणी एकेडमी और दूसरा था तमिल एकेडमी। ये दोनों कहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये दोनों एस्टेब्लिश किए गए हैं दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट और यूटी। ये जो ऐप है सतर्क नागरिक, इसको किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने
लॉन्च किया है, आपको बताना है। ऑप्शंस है हमारे पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसने लॉन्च किया है सतर्क नागरिक ऐप, और ये यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। और इसका जो पर्पस है वो क्या है, ये करप्शन को मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ कंट्रोल भी करेगा, और आप करप्शन के अंगेंस्ट यहाँ पे ग्रीवेंसेस भी फाइल कर सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं डेविड डैको, बुकासा फर्स्ट, फ्रेंकोइस बोजिजे, फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा। ये जो है फॉस्टिन जी, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑर्गेनाइजेशन आर्मी हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर स्पेस हीटिंग डिवाइस फॉर सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड वर्थ ₹420 करोड़। हमारे ऐसे सोल्जर्स जो कि हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके लिए आर्मी ने स्पेस हीटिंग डिवाइस को ऑर्डर किया है जिसका टोटल वर्थ 420 करोड़ है, और आपको बताना है कि जो ऑर्डर प्लेस किया गया है ये किस ऑर्गेनाइजेशन को किया गया है। ऑप्शंस है हमारे ब्रह्मोस, CSIR, इसरो और DRDO। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है DRDO। जो DRDO है वो हमारे सोल्जर्स जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस बनाएगा, और इस डिवाइस का क्या नाम होगा? इस डिवाइस का नाम होगा हिम तापक। इस डिवाइस का नाम होगा हिम तापक। ये जो डिवाइस है ये ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन जैसे जगहों पे हमारे आर्मी पर्सनल्स के द्वारा यूज किया जाता है, और इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी है? ₹420 करोड़। ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड फतह 1 विच इज अ गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम? किस कंट्री ने फतह 1 को लॉन्च किया है जो कि एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है? ऑप्शंस क्या है हमारे, नेपाल, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है इसने फतह 1 को लॉन्च किया है जो कि एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। जो पाकिस्तानी कोर्ट है इसने लखवी जो कि 26/11 जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, ये लखवी इसका मास्टरमाइंड था, और ये पाकिस्तानी कोर्ट ने इसको कितने साल की सजा सुनाई है? इसको 15 साल की सजा सुनाई है पाकिस्तानी कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक साइंस MOU विद NAB फाउंडेशन टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फॉर माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट? किस बैंक ने NAB फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत वो माई पैड माई राइट जो प्रोजेक्ट है उसको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगा? इसके ऑप्शंस है हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, IDBI और SBI। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये NAB फाउंडेशन के साथ मिलकर माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट क्या है सबसे पहले तो जानते हैं। इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था स्मृति ईरानी जी ने, जो कि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं।
और इस प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पैड मेकिंग मशीन लगाया जाएगा और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होंगी यहाँ पे पैड मैन्युफैक्चर करेंगी। इस प्रोजेक्ट का दो एम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सेकंड जो एम है वो हमारा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसके प्रति रूरल एरियाज की फीमेल्स को अवेयर करना। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर इज पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। आपको कमेंट में बताना है जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है। सो ये रहा आज का हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो का क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शाम के 7 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।